देखिए डिप्रेशन एक बीमारी है, हमें सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना है कि डिप्रेशन उसी तरह एक बीमारी है जिस तरह एक दिल की बीमारी है या मेदे की बीमारी है, क्योंकि दिमाग एक ऑर्गन है, दिमाग जिसम का उसी तरह उस पर जिस तरह एक दिल, मैदा, जिगर, फेफड़े ऑर्गन है जिनके मुख्तलिफ काम हैं। दिमाग के प्रैक्टिकली सिर्फ दो काम हैं, एक पूरे जिसम को कंट्रोल करना, दूसरा सोचना, अखलाकियात, बाकी सारी चीज़ें, बिहेवियर्स, रवैये, लोगों के समझ बूझ, ये दो बेसिक काम हैं। अगर आपको डिप्रेशन का मर्ज़ आ गया है तो आपके दिमाग के अंदर कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं, बाकायदा कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं जिसकी वजह से आपके दिमाग के खास दो तीन खास तरह के केमिकल्स होते हैं जिसे सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएड्रेनालिन कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी सोच तब्दील हो जाती है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये उसी तरह एक बीमारी है जिस तरह मेदे जिगर की बीमारी है, और उसी तरह से इंसान के अंदर दिमाग के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं जिस तरह से किसी जिगर के मरीज को जिसको हेपेटाइटिस हो गया तो उसके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं। तो जब तक आप उसको दवाई नहीं देंगे वो रिवर्स नहीं हो सकती।